इंडियन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। आपने कई सारी ऐसी प्रतियोगिताएं देखी होंगी जहां पर जो प्रतियोगी होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो अपना बेहतर करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा बेहतर चीज सामने रखने और दिखाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा अक्सर कई सारी प्रतियोगिता में होता हुआ भी दिखाई पड़ता है। लेकिन एक सोनी फोटोग्राफी वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता हुई और इसमें एक उम्मीदवार ने कुछ ऐसा किया जिसमें कहा यह जा सकता है कि उसने इस प्रतियोगिता के आयोजकों और जजों की ही परीक्षा ले ली और इसी सोच के साथ उसने अपनी एंट्री इस प्रतियोगिता में भेज दी थी। दरअसल इस शख्स ने जो एंट्री भेजी उसको फर्स्ट प्राइज जजेस ने दिया, लेकिन जब जजेस ने फर्स्ट प्राइज अनाउंस कर दिया तब इस शख्स ने, जिसका नाम बोरिस एल्डागसेन है, उसने अपना इनाम लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं ये इनाम नहीं लूंगा। जब उससे कारण पूछा गया कि क्या कारण है कि आप इनाम नहीं लेना चाहते, तो उसने असलियत बताई कि आपने जिस फोटो के लिए मुझे इनाम दिया है, दरअसल वो फोटो मेरे द्वारा खींची नहीं गई है, वो फोटो ऐप के जरिए या तमाम दूसरी कोशिशों के जरिए बनाई गई है। तो उससे जब पूरी चीज खोल के सिलसिलेवार बताने को कहा गया, उसने कहा इस फोटो को बनाने में मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है और एआई के जरिए मैंने इतनी बेहतर कोशिश आपके सामने रखी, और मैं तो ये जानना चाहता था कि आप लोग या आप जजेस इस फोटो में क्या इंसान या एआई के काम को लेकर किसी तरीके का कोई फर्क कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, जहां पर आप लोग फेल हुए। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि ये सारी चीजें गलत हैं और झूठी हैं, लेकिन ये सच बताकर मैं केवल ये साबित करना चाहता हूं कि अभी भी इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परखने के लायक नहीं हो पाया है। तो इस कोशिश में, जो कि इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिता थी, उसमें इस तरीके की कोशिश इस शख्स ने की और इस साबित कर दिया कि एआई बहुत बेहतर अभी है और एआई को जज कर पाना मुश्किल है। आपको क्या लगता है इस वीडियो, इस जानकारी को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।